अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर विद अरम। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देयर वर सम पर्सनल रीजंस जिसकी वजह से इतना गैप आ गया, लेकिन इंशाल्लाह अब रमज़ानों में जो जब खाने पीने की चीज़ें उरूज पर होंगी तो हमारा चैनल भी आपको अक्सर दिखाता रहेगा नई नई जगहों की नई नई डिशेस, इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग टेस्टी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी लाचीन बाय कबाब जीज के सूप का रिव्यू। इससे पहले के सर्दियां तो ऑलमोस्ट जा ही चुकी हैं, लेकिन सूप जो है हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में फिर भी नहीं पिया जाएगा, बट स्टिल सूप जो है एक बहुत ही अच्छा स्नैक भी हो जाता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सबसे पहले मैं रिव्यू देना चाहूँगी कबाब जी लाचीन बाय कबाब जी का चिकन कॉर्न सूप का रिव्यू। चिकन कॉर्न सूप इनका बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें चिकन की क्वांटिटी इतनी रिच नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट टेस्ट में बहुत अच्छा है। स्वीट कॉर्न का टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, और इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री क्रैकर्स हैं, प्रॉन क्रैकर्स, ओ माय गॉड, दे आर सो ऑसम एंड टेस्टी। बिसाइड्स देम, इसके साथ जो लवाजमात आपको मिलेंगे, लाइक एक आपको एक अच्छी सी चटनी नज़र आएगी, एक तो ग्रीन कलर की है, वो तो नॉर्मल ग्रीन चटनी होती है, लेकिन ये जो अचार टाइप की आपको पिकल टाइप की चीज़ नज़र आ रही है, ये मुझे बहुत ही बहुत ऑसम लगी, और ये मैंने किसी और रेस्टोरेंट में कभी मुझे नहीं मिली। तो ये जो है ये सूप के मज़े को दुबाला करती है। अच्छा, ये उस तरह का अचार नहीं है जो अक्सर हमें हलवा पूरी वगैरह के साथ गाजर का अचार मिलता है, जी नहीं, ये बिल्कुल अलग किस्म का, कुछ गाजर की मुरब्बा टाइप की चीज़ कह लें या ऐसे क्या कह लें, ये स्वीट एंड सार इसका टेस्ट है, और जब आप इसको सूप के साथ ऐड करके खाएंगे तो ये इतना औसम टेस्ट हो जाएगा सूप का आपके कि मैं बता नहीं सकती। आपको ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से इसका रिव्यू अगर दिया जाए तो मैं इसको 10 out of 8 मार्क्स दूंगी। बहुत ही मज़े का सूप था, एम्बियांस लाचीन बाय कबाब जी की औसम थी। मैं इनकी तारिक रोड ब्रांच पे गई थी। अच्छा, सूप मुझे पर सूप जो है 450+ tax का मुझे पड़ा था। अब जो है महंगाई का आप लोगों को अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह है, कितनी तेज़ी से कब क्या रेट हो जाएं, दो दिन बाद आप लोग जाएं तो इसके क्या रेट हो जाएं, आई डोंट नो। मैं दो दिन पहले गई थी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।